मणिपुर में हुई घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश पनप रहा है। तमाम संगठनों ने सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मुहिम में अमूल निवास संघ राज्य इकाई ने सरकार की संवैधानिक असफलता बताते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की है। साथ ही मणिपुर शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दिए जाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हत्या, दुष्कर्म, आगजनी, लूटपाट और महिलाओं का चीरहरण करने वालों की शिनाख्त कर ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की खुफिया एजेंसी, सत्ताधारी दल का संगठन तंत्र, विधायक, सांसद और पुलिस का अपना खबरी तंत्र रहते हुए ऐसी घटिया हरकत नहीं हो सकती थी। इसलिए ऐसी भ्रष्ट सरकार से न्याय की उम्मीद करना संभव नहीं है और न ही षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है। कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई थी हैं, औरतों को नंगा किया गया, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, नंगी औरतों को किया गया, उनके साथ वो बलात्कार किया गया, उनको मारा गया, लेकिन हमारे देश में उनको शर्म नहीं आ रही है। कम से कम ये शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, इतनी शर्मसार हो रही है कि आदमी अपनी नज़र किसी से मिलाना दुश्वार हो रहा है। इसलिए कम से कम हमारे कानून मंत्री हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, विशेषकर अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि इसमें अपना संज्ञान लेते हुए जिन्होंने वो घृणित कार्य किया है उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें, ये हमारी विनती है। भैया, जो हमारे देश के मणिपुर राज्य में जो मणिपुर में जो सामाजिक घटनाएँ हो रही हैं, जो वहाँ पर जाति हिंसाएँ हो रहे हैं, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, लोगों की रोज़ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसके लिए हम उसके विरोध में हम भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति से ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वहां पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में वहाँ की शासन व्यवस्था की जाए या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और जो महिलाओं के साथ वहाँ अमानवीय कृत्य हो रहा है, वो अत्यंत सर्वनाश घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, उस पर तत्काल शासन को संज्ञान लेते हुए वहाँ पर अंकुश लगाया जाए। और नहीं तो यह देश कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं होती रही तो ये देश देश नहीं रहेगा, मेरा मानना है।